तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। उसकी बातें मेरे सर से गुजर गईं। आप मेरी समझ से बाहर हैं। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, लाइफ में अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं, तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं, उसकी बात मेरी सर से गुजर गई, तुम मेरी समझ से बाहर हो। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों हमें जिस फार्मूले की ज़रूरत है वो ये है। इसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, यानी कि ही शी, या कोई आप प्रॉपर नाउन भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज, आर, एम, या फिर वॉज, वेयर। उसके बाद में आप लेंगे बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन इसका मतलब होता है समझ से परे, समझ के बाहर। दोस्तों, इसके लिए एक ईडियम्स भी है, एक मुहावरा भी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। तो मैं दोनों का ही इस्तेमाल बताऊंगा, वीडियो बस आपको पूरा देखना है। तो अगर आपको बोलना है कि तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं, इसको आप बोलेंगे योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। उसकी बातें मेरी सर से गुजर गईं, इसको आप बोलेंगे हिज वर्ड्स वेयर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, हिज वर्ड्स वेयर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। तुम मेरी समझ से बाहर हो, इसको आप बोलेंगे यू आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, यू आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। इन्हीं बातों को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं, तो आप बोलेंगे योर वर्ड्स आर ग्रीक टू मी, योर वर्ड्स आर ग्रीक टू मी। अगर आपको बोलना है कि उसकी बातें मेरे सर से गुजर गईं, तो आप बोलेंगे हिज वर्ड्स वेयर ग्रीक टू मी, हिज वर्ड्स वेयर ग्रीक टू मी। अब चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि ये मूवी तो मेरे सर से गुजर गई, तो आप बोलेंगे दिस मूवी वॉज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, दिस मूवी वॉज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। अब दोस्तों, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। तुम्हारी राइटिंग मेरी समझ से परे है, तुम्हारी राइटिंग मेरी समझ से परे है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।